नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में SW24 न्यूज मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम राजनीतिक शख्सियतों से नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में मुलाकात कर रहे हैं। आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं वो हैं आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार जी दुबे। राजकुमार जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी भी दम दिखाने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी, किस प्रकार से वो अपने उम्मीदवारों का चयन करेंगे और क्या संभावनाएं उनके लिए बन रही है? राजकुमार जी, मध्य प्रदेश में एक तरह से आम आदमी पार्टी अपना प्रसार करने आई है, प्रसार कर रही है, अभी शुरुआती स्थिति में है। क्या लगता है आपको, इस विधानसभा चुनाव में उसकी उपस्थिति कोई नए समीकरण पैदा करेगी? देखिए, पहले तो हम जो है एक प्रसार करने के लिए, तो आप जो बोल रहे हो उस उद्देश्य से में तो यहाँ नहीं आए हम लोग। हमारा जो है प्रसार की बात है तो 2018 में हमने हर सीट पे लगभग चुनाव लड़ा था। उसी टाइम हमारा प्रसार का जो प्रोग्राम था लगभग हो चुका है। हर विधानसभा में हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़े थे। इस बार हम दमखम से टोटल 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। हमने भी ऐसे ही हमने गुजरात में भी किया था। वो 6 महीने के पहले आपको ऐसा नहीं लग रहा था किसी को कि आम आदमी पार्टी इतने 41 लाख वोट ला दी। हमने क्या किया, फिर वहाँ पे पूरे प्रोग्राम तो हमारे 6 महीने पहले से चल रहे थे, लेकिन हमने उसको एक प्लान बना के उसको हर बूथ पे लेवल तक उस प्लान को सक्रिय किए और 6 महीने में ऐसे उभरे कि दोनों पार्टियाँ कांग्रेस बीजेपी सोचती रह गई कि अचानक ये इतने लोग कैसे जुड़ गए। तो देखिए, गुजरात तो की और जो अन्य प्रदेशों की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की काफ़ी पहले से जो स्टार प्रचारक हैं, हम एक तरह से कहें जो आजकल कहा जाता है कि स्टार प्रचारक, उन लोगों की आवाजाही और केडर बेस तैयार करना उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया था। मध्य प्रदेश में अभी तक आम आदमी पार्टी की जो हलचल देखी जाना थी वो नहीं आ रही है। मैं इसी को लेकर के सवाल पूछ रहा हूँ कि वो कितना बीजेपी और कांग्रेस के समीकरणों को प्रभावित कर पाएगी? देखिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको, अभी हमारा नगर पालिका का जो चुनाव हुआ था, लगभग हर नगर पालिका में हमने चुनाव लड़ा, नगर पालिका, नगर परिषद चाहे महापौर का, कहीं भी ऐसा नहीं छोड़ा। और जहाँ तक हो सके कसरावत ही बचा था मेरा, ये उसका कारण बहुत थे। और लेकिन जो हमने ग्वालियर में जो चुनाव लड़ा तो हमने 46,000 वोट पाए। महापौर हमारी सिगरौली में निकली, ठीक है, सेंटर से लोग कम आए, अरविंद जी आए थे हमारे सिगरौली में, इस साइड में नहीं आए, संजय सिंह भी हमारे आए थे, तो आते रहते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी गोपाल राय जी हमारे भी आए थे, वहाँ पर कसनावत में आए थे। तो एक आधिकारिक मीटिंग होती है, एक पूरे रैली जैसा मीटिंग होता है, उस दोनों में डिफरेंस है। तो हम ट्रेजडी के तहत, प्लान के तहत ऐसे आए कि जल्दी ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन हमारी रणनीति चल रही थी पहले से। देखिए, आम आदमी पार्टी का राजनीति में जो प्रवेश हुआ अन्ना हजारे के आंदोलन से हुआ और देश में कई आंदोलनों से उनके लोग जुड़े रहे जो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी में आते गए, लेकिन जो आम आदमी पार्टी पे आज के समय में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जैसे आपने केजरीवाल जी पे 45 करोड़ का जो उनके आवास में जो लागत आई है, काफ़ी महंगी टाइल्स वगैरह जो कुछ भी उन पे आरोप लगे हैं, और आम आदमी पार्टी पे जो आरोप लग रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, तो इन आरोपों को देखते हुए पार्टी तो खुद ही बदल गई। जो इस राजनीति, देश की राजनीति को बदलने का दम भरती थी, वो पार्टी आज खुद बदली बदली सी नज़र आ रही है। देखिए क्या है, हम भी सोचते थे कि भ्रष्टाचार निकाल के, भ्रष्टाचार को खोल के, जो हमने जो अन्ना हजारे का आंदोलन गेंद 1400 जो मांगे थी, जन लोकपाल जो था, उसके आधार पे हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन जब हम पॉलिटिक्स में घुसे, देखिए आज तो जन लोकपाल दिल्ली में ही नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए जब हम पॉलिटिक्स में घुसे तो हमने जब शुरू शुरू में स्टार्टिंग किया तो हमने भी आरोपों की राजनीति स्टार्ट की, भ्रष्टाचार खोलने की राजनीति स्टार्ट की, बहुत कुछ किया। लेकिन उसमें हमको लगा कि पब्लिक को इससे मतलब नहीं कि क्या भ्रष्टाचार हुआ,
पब्लिक को ये लगा कि भ्रष्टाचार तो जो है वो है, है उसको आप लड़ो, उसको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन हमारी राजनीति, हमारे जो हमारे बेसिक नीड है उसको अगर आप पूरा नहीं कर रहे हो तो उस भ्रष्टाचार में लड़ने से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो हमने काम की राजनीति स्टार्ट की। तो काम की राजनीति में हमारे जो जो बेसिक जो एक आम आदमी का ज़िंदगी बदल सकता है, स्वास्थ्य शिक्षा, तो हमने पहले उस पर ध्यान दिया। तो अब हमारी जो राजनीति बदली तो उससे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ है कि हम पहले लोगों की जीवनचर्या को बदलें। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे, जब लोग समझदार हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली भ्रष्टाचारियों को पकड़ना स्टार्ट कर देंगे वो खुद से। आज ग्राम पंचायतों में देखिए, आज नेट पे सारे काम लिखे हुए हुए हैं, मेरे पास भी उसका रिकॉर्ड है कि आज ग्राम पंचायत में कितने रोड बने, क्या हुए। तो अगर शिक्षित रहेगा वह परिवार, शिक्षित रहेगा ग्राम समाज, ग्राम सभा, तो भ्रष्टाचार नेचुरली कम हो जाएगा। तो ये तरीका कुछ और हमने प्लस किया उसमें। अब वो जो काम भ्रष्टाचार का जो हमने स्टार्ट किया था वो तो हम RTI वगैरह के जरिए करते ही रहते। देखिए, मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र जो है, हाँ, कृषि को लेके काफ़ी संपन्न क्षेत्र है, लेकिन कई संभावनाएं जो यहाँ पे हैं कृषि को लेकर, जैसे कृषि से जो आधारित जो उद्योग हैं उनका विकास नहीं हो पाया है। मुआवजे को लेकर आप कसरावद विधानसभा के आम आदमी पार्टी से प्रभारी सचिव हैं, इस क्षेत्र में मुआवजे को लेकर अभी भी तकरीबन 20-25% जो लोग हैं उनके न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। और आम आदमी पार्टी, जैसे कि आप पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उसके बाद आपका आम आदमी पार्टी में प्रवेश हुआ है, मुद्दे तो वो अभी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए न्यायालय तो चल ही रहा है, लेकिन न्यायालय के बाहर भी क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं? न्यायालय के बाहर अभी हमने बड़वानी में कलेक्टर को कितनी बार घेरा, अभी हमने अनशन भी वहाँ किया था बड़वानी में कि जो लोग 20% बचे हुए हैं उन पर जल्दी से जल्दी क्यों नहीं कलेक्टर कार्रवाई करता। उसके लिए हमने GRA में भी लगाया है, GRA में हमने कितनी बार जीत भी गए हैं। क्या है कि न्यायालय की प्रक्रिया में कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, चाहे कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। हम बार बार न्यायालय में, बार बार सुप्रीम कोर्ट से भी जीत के आते हैं, GRA से भी जीत के आते हैं, लेकिन शासन प्रशासन इतने निष्क्रिय हो गई है कि वाजिब मांग को भी नहीं पूरा कर रहे हैं। तो हमने कितनी बार आंदोलन किए, हमेशा आप पेपर में देखो, चाहे रिकॉर्ड उठाकर देखो, मेधा पाटकर जी हुए, चाहे हमारी जो NBA की संस्था जिससे हम जुड़े हैं, वो अक्सर गांव-गांव जाके हम मांग करते हैं कि सांसद हमारी बात को माने। अभी यहाँ पे किए थे, मनावर में किए थे, SDM कार्यालय को घेरा था, तो वहाँ भी कि भाई जितने लोग बचे हुए, जो 20% लोग बचे उनको तो दो। तो वो संघर्ष हमारा चल रहा है। अब जैसे न्यायालय में है तो थोड़ा सा दिक्कत तो आ रही है कि न्यायालय जल्दी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो 20% लोग बचे हैं कम से कम उनको मुआवजा तो मिले। उनको आपने जो है कुछ को दे दिया, कुछ को नहीं दिया। और तो क्या बताऊँ आपको, 1700 फर्जी रजिस्ट्रियाँ जो वहाँ पर हुई थी उस पर हमने कितने कार्रवाई की, देखिए कोई भी सरकारी ध्यान नहीं देती। तो देखिए, जमीनी आंदोलन तो ज़रूरी है ही, साथ में न्यायालय से तो लड़ना ही पड़ेगा। सरकार को भी चाहिए, उनकी भी जवाबदारी बनती है। जैसे BJP कांग्रेस, कभी अभी 15 महीने कांग्रेस थी उसने भी कुछ नहीं किया, BJP थी, आज अभी भी है BJP 15 साल से लगभग यहाँ पे है, वो भी ध्यान नहीं देती। तो इसलिए अब तो हमको लगा, इसलिए हम क्यों आप राजनीति में क्यों आना पड़ा, एक यही रीज़न है कि सरकारें अगर ध्यान नहीं देंगी, हर चीज़ कोर्ट ही करेगा, तो कब तक आदमी जाके कोर्ट में लड़ेगा। तो पक्का है कि पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, और आंदोलन तो हम कर ही रहे हैं, उसमें तो कहीं भी आप पता लगा लें, हम तो आंदोलन तो कभी नहीं छोड़ते। बड़वानी से लेकर खरगोन तक कभी भी मांग हो तो हम पहुँच जाते हैं। बहुत वाजिब बात कही आपने कि अगर सरकारें न्यायालय के बाहर मामलों को नहीं निपटा पाएंगी तो उन सरकारों का कोई औचित्य नहीं रहता, क्योंकि हमारे न्यायालयों में अभी करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं और करोड़ों लोग न्याय की आस लगाए हुए न्यायालयों के बाहर खड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में जैसे हम देख रहे हैं, मैंने आपको कहा कि भाजपा और कांग्रेस, अभी तक का हम जो यहाँ का राजनीतिक इतिहास देख के आते हैं, सत्ता की कुर्सी पर हम उन चेहरों को देखते हैं, तो भाजपा और कांग्रेस से जुड़े ही रहे हैं। आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में उतर रही है, और उन मुद्दों से आपको क्या लगता है कि यहाँ के वोटर्स को आप प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी पहला तो हमारा जो है, हम नारा भी लगाते हैं, कौन बनाता है हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। आज मजदूर और किसान इस देश को चला रहे हैं। मजदूर किसान मतलब एक निचले तबके के लोग, उनको क्या नीड है,
आज किसान मिर्ची में कभी वायरस लग गया तो किसान साफ हो गया। मुआवजे की बात आती है तो कांग्रेस का बोलता है कि नेता को वो मेरा क्षेत्र है, वो बीजेपी का बोलेगा वो मेरा क्षेत्र है। आप हम उनके पास जाते हैं तो यही उनकी बातें आती है कि हमारा क्षेत्र है तो उसको मुआवजा मिल गया, उसका क्षेत्र है तो उसको मुआवजा नहीं मिला। ये इनके में चलता है। हमने ये बीजेपी कांग्रेस, हमने जब हमारे यहाँ अरविंद जी जब वहाँ पर सरकार बनाए थे दिल्ली में, तो हम जहाँ वहाँ पर जितने भी नुकसान हुए थे फसल के, तो उनकी टीम गई थी जो है खेत में, वहाँ पे पंचायत में गई और बैठी और पंचायत से सलाह ली कि आपका कितना नुकसान हुआ है, आप लोग मिलकर स्वयं तय करो। उसके हज़ार पे आधार पर हमने 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा हमने स्टार्ट किया था। तो हमारी जो पार्टी है वो किसानों के हित के लिए सोचती है, उनसे बीच जाके उनके बात करेगी मुआवजे की, इनके जैसे नहीं कि अपने लोगों को कर दिया। हमारे अरविंद जी ने एक बात बोला होगा आपको भी सुन के अच्छा लगेगा कि हम अगर सरकार में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो जिसने मुझे वोट नहीं दिया ये उसकी भी सरकार है, बीजेपी वालों की भी सरकार है, कांग्रेस वालों की भी सरकार है, आम आदमी की भी सरकार है। तो हम सबके लिए सोचते हैं, लेकिन ये लोग अपने नेताओं के लिए सोचते हैं चाहे अपने आदमियों के लिए सोचते हैं, ये इनकी जो है रणनीति है। और रही बात आपने बताई कि जो है क्या मुद्दा है, एक मज़दूर का भी मुद्दा है। आज आपको बता दो किसानों के मुद्दे में तो हम गांव जाके इनके जमा पूरी बात करेंगे, इनके मुआवजे के उनके हिसाब से ही हम इनका वो करेंगे, हमारा ये प्लान रहे। दूसरा प्लान ये है जैसे मजदूर हैं यहाँ पे जो किसान जो खेतों में काम करते हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं, आपने बोला ना कि यहाँ पर जो फल वगैरह क्या बोलते हैं कृषि आधारित जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर कंपनियाँ खुली हैं। निमरानी हमारा एरिया है अभी, हाँ इंडस्ट्रियल एरिया, अभी सचिन यादव जी किसी बात में बता रहे थे कि वहाँ पे खुला हुआ है, सब अच्छा चल रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूँ आज निमरानी बेल्ट एक ही बेल्ट है खरगोन में जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर लगभग 75% कंपनियाँ आज जो कृषि आधारित भी हैं वो लगभग बंद के कगार पे हैं। हमने यही बात भाजपा के वरिष्ठ नेता जो लोकसभा प्रभारी हैं कल्याण अग्रवाल उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वहाँ आप निमरानी में देखिए वहाँ तो सारी फैक्ट्रियाँ चालू। मैं खुद श्रमिक जनता संघ का लीडर भी हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हूँ, और मैं सब देख रहा हूँ आपको वहाँ पे मजदूरों को 300 रुपया 12 घंटे का मजदूरी मिलता है जो कि सरकारी रेट, हमने लेबर कमिश्नर को भी या कलेक्टर साहब को ही बोला था, सरकारी रेट वहाँ पे 358 के करीब है 8 घंटे का, और जो फैसिलिटीज़ है तो वो बात की बात है। न्यूनतम मजदूरी भी आपको जाके पता लगा लें कोई भी हो, न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती निमरानी बेल्ट में। तो मजदूर कैसे काम करते हैं, उनको आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं, वो अपने से आते जाते हैं, न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती, सुरक्षा की तो बात ही ख़त्म करिए। वो मर जाते हैं तो उठा के भेज देते हैं, वो मर जाते हैं तो उठा के कहाँ गायब हो गया लास्ट। मैं अब तो आपको क्या बताऊँ, आप तो कभी सर्च कीजिएगा वहाँ पे ये हाल है। और जो किसी आधारित जो कंपनियाँ हैं वहाँ पे क्या हाल है कि 4 दिन चलती हैं, 5 एक दिन बंद रहती है, 2 दिन बंद रहती है, उस दिन किसी को कोई पैसा नहीं मिलता। तो जो न्यूनतम मजदूरी तो नहीं मिलती, साथ में उसकी सैलरी भी आपकी लगभग पूरे 1 महीने के नहीं हो पाती, तो बहुत ही कंडीशन ख़राब है मज़दूरों की। किसानों की तो बता दिया कि फेस देख के काम होता है। देखिए जो निमाड़ क्षेत्र है, पूर्वी और पश्चिम निमाड़, विगत जो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा सत्ता में नहीं आ पाई, ये 10 सीटों का उसमें बहुत बड़ा एक कारण रहा, 10 में से 9 सीटों पर भाजपा हारी थी। उसी निमाड़ में आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, कितना बड़ा चैलेंज है आपका यहाँ पर आम आदमी पार्टी को स्थापित करने के लिए? मैं आपको बताता रहा हूँ कि आज हमारा सर्कल लेवल तक कमेटी बन चुकी है पूरे इस निमाड़ में, लगभग सर्कल लेवल बूथ लेवल तक हम पहुंच रहे हैं। अभी हमने सेंधवा में दिसंबर में रैली की थी, दिसंबर में लगभग कितने समय हो गया, लगभग हमने 4-5 हज़ार लोगों की रैली की थी, आप सेंधवा में पता लगा सकते हैं। बड़वानी में हमने 2-2 सभाएँ की, एक में 3,000 लोग आए थे। अभी 10 दिन पहले हमारी रानी अग्रवाल अध्यक्ष आई थी तो हमने वहाँ पर भी सभा किया था, तो वहाँ भी लगभग 1.5-2 हज़ार लोग आए थे। तो मेरा मतलब ये है कि जब भी हमने प्रोग्राम किया तो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता आ रहे हैं, दिख रहे हैं। तो जैसे हम सेदवा में हमने सर्कल प्रभारी तक बना लिया, चाहे पूरे जगह बना लिया, और 4-5 हज़ार लोगों की जो रैली की, उससे तो लग रहा है
कि आने वाले 4 महीने में हम पक्का इनको टक्कर नहीं जीत के भी दिखाएंगे। राजकुमार जी, दुबे प्रदेश कार्य समिति सदस्य आम आदमी पार्टी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी जो यहाँ पर आम आदमियों के आम जनता के बीच पेट है, कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी को निमाड़ क्षेत्र में और मध्य प्रदेश में इन आगामी चुनाव में स्थापित करने का काम करेगी और पार्टी उसी को लेकर निरंतर आगे भी बढ़ रही है। ब्रेक के बाद हम राजकुमार दुबे जी से जानना चाहेंगे कि निमाड़ में आखिरकार वो क्या चीज़ें होंगी, वो कौन से मुद्दे होंगे जो आम आदमी पार्टी विरोधी पक्ष के खिलाफ उठाएगी और जिसका उसको इन विधानसभा चुनाव में लाभ मिलेगा, साथ ही उनकी क्या भूमिका होगी स्वयं की, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए SW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो। ब्रेक के बाद SW24 न्यूज मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों का हम नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में पुनः स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस समय राजनीतिक चर्चा के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजकुमार दुबे जी। दुबे जी, एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको भी। दुबे जी, मध्य प्रदेश में कई ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन चुनाव में जो सबसे ज़्यादा मुद्दे ट्रेंड कर रहे हैं उसमें एक मुद्दा अभी आदिवासी समुदाय के आत्मसम्मान को लेकर हुआ है। एक अमानवीय घटना घटी एक आदिवासी के साथ, मुख्यमंत्री ने उसके बाद पाँव धोए, उनके घर पर जाके माथा नवाया। आखिर ये घटनाएं क्यों होती हैं प्रदेश में? और दूसरा ये है कि क्या इतने सब से इन घटनाओं पे रोक लग सकेगी? देखिए क्या है, पहले तो आपका आम आदमी पार्टी का व्यू क्या है? ये मेरा व्यू यही है कि देखिए, किसी भी इंसान के साथ अगर इंसानियत के साथ खिलवाड़ होता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसके जगह पे अगर किसी और कास्ट का भी आदमी अगर होता, उसके पास ये अमानवीय हरकत की जाती है, तो उसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। और रही बात आदिवासी की, तो आदिवासी को इसलिए यहाँ पर जो हाईलाइट किया जा रहा है, चाहे हाईलाइट होना भी चाहिए, क्योंकि अभी वो पिछड़े हुए हैं। हमने देखा है अलीराजपुर में, चाहे सेंधवा में, बहुत चाचरिया साइड में, बहुत अभी लोग उतना विकास नहीं किए, कहीं ना कहीं उसके विकास नहीं, उनके कमज़ोर होने का ही इन्होंने फ़ायदा उठाया और ऐसे प्रकार के हरकतें की। लेकिन इसके पीछे उस जो प्रतिनिधि था उसकी गलती तो थी, लेकिन मेन जो मुख्य खलनायक जो है वही लोग हैं जो कि उनको बढ़ावा दिया। कुछ अभी एक साल शायद हुआ कि नहीं, जो पत्रकारों को इन्होंने जेल में कपड़े उतार के इन्होंने जो मरवाया था, उनकी जो है तोहिन की थी किन्होंने? हाँ, बीजेपी वालों ने, बीजेपी के केदार शुक्ला जी के आदमी थे, उन्होंने किया, उन्होंने कराया उनके थाना क्षेत्र में, तो उससे प्रभाव पड़ा, उनके कार्यकर्ताओं को हौसला बुलंद हुआ। तो आए इतने भी आज ये काम कर दिए, कल कुछ और काम करेंगे। अरे गृह मंत्री इनके हुए, इनके मुख्यमंत्री हुए, कुछ अपने शब्दों पे जब कंट्रोल नहीं करेंगे, जब अपने शब्दों की सीमा को तोड़ेंगे, बार बार कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे, देश हित में नहीं बोलेंगे, चाहे समाज हित में, इंसानियत के हित में नहीं बोलेंगे, तो उनके कार्यकर्ता भी वैसा ही करेंगे। तो जैसा बीज बोएंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो ये हुआ वही है, उस कार्यकर्ता की कम, इनकी ज़्यादा गलती है। पैर धोने से आपने जो संस्कार दिया अपने कार्यकर्ताओं को, अब पैर धोने से वो क्या संस्कार ख़त्म हो जाएगा? वो कहीं नहीं ख़त्म होगा। वो आज तो ठीक है, वो किसी ने उसको चैनल को आपको रिकॉर्डिंग कर लिया तो वायरल हो गया, नहीं तो आदिवासियों पर आप देखो, हमको लगता है कि बहुत से घटनाएं साल भर में हुई जो कि रिकॉर्ड तोड़ है, रिकॉर्ड तोड़ है। बहुत घटनाएं हुई, कभी मनावर में होता है, कभी मानपुर में होता है, कभी पत्थर चलाते हैं, कभी कुछ करते हैं। देखिए आप कितनी घटनाएं हो रही हैं, खरगोन में कितनी घटनाएं हुई हैं। तो ये क्या है कि इनकी जो मानसिकता ऐसी हो गई है, और उसी हिसाब से प्रशासन से काम भी कराते हैं। प्रशासन भी क्या करे भाई, जिसकी सरकार है उसकी चलाते हैं वो। तो पहले तो हमारा ये संदेश है और सभी से भी है, जितने भी पॉलिटिक्स के लोग हैं, आप जो भी करें कोई दिक्कत नहीं पॉलिटिक्स में, लेकिन अपने शब्दों पे कंट्रोल रखें। ऐसे शब्द पे आपका जो है रखें, आप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, चाहे बड़े बड़े मंत्री जो लोग हैं, कि जिससे समाज में अच्छा संदेश जाए, कोई गलत संदेश ना जाए, नहीं तो फिर ऐसे अनहोनी होती रहेंगी, फिर आप कितने लोगों का पैर धोएंगे और कितने आप ऐसे काम करेंगे। तो मध्य प्रदेश में जैस एक आदिवासी संगठन है जो
अपने विस्तार को लेकर के कार्यक्रम कर रहा है, और साथ ही वो इस बार सुनने में आया कि 80 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, उन लोगों ने भी इसको लेकर के विरोध किया है। बिल्कुल, देखिए ज्ञापन तो हमने भी दिया था और खरगोद में जाके ज्ञापन दिया था, इसके खिलाफ हमने हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, पूरे मध्य प्रदेश में किया इस अवमान्य हरकत के खिलाफ। मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल कि मध्य प्रदेश में कई आदिवासी संगठन है, हाँ, मैं बता उनमें से एक है, नहीं उस पर मैं बावजूद इसके आपने कहा कि जैसे पिछड़ापन है आदिवासी में, हाँ। वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या रोजगार को लेकर वो प्रगति नहीं कर पाए, आज 75 साल हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे और कितने संगठन बने? देखिए क्या है, हमारे आदिवासी भाई बहुत भोले, कहाँ हो रही है, मैं बता रहा हूँ, हमारे आदिवासी भाई भोले वाले हैं, आइए जो कांग्रेस बीजेपी जो राजनीति करती है उनको अपनी बातों में फंसा लेती है, शिक्षा की जो बात राजनीति करनी चाहिए जिससे नहीं कोई घर कैसे उन्नति करेगा, कोई फादर हो चाहे कोई गार्जियन हो, वो चाहता है कि हमारा लड़का पढ़ लिख के अच्छा बने और आगे बढ़े, तो इन्होंने क्या किया, हमारे आदिवासी भाई जो इस क्षेत्र है यहाँ पर इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति करने के बजाय इन्होंने अपने गणित सेकने अपनी राजनीति किया, इन्होंने कहीं शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति के इन्होंने कोई चर्चा भी नहीं किया। आज हमारे सरकारी स्कूल हर जगह बंद हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगभग 12,000 का तो रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। हम आपको बताता हूँ उदाहरण, यह रामपुरा हमारे बगल में गाँव है एक, वहाँ पर 10 लोग पढ़ते हैं स्कूल में, कल 10 3 टीचर उस पर लगे हुए, तो आप ये बताइए जो सरकारी स्कूल का ये हालत है, यही सरकारी स्कूल हमारे जो आदिवासी अंचल में एकदम चाचरिया साइड में खेतिया साइड में है, तो वहाँ पे अगर ऐसा ही व्यवस्था रहेगा तो वो शिक्षक शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे तो फिर बीजेपी कांग्रेस उनका दोहन करती है। लेकिन हमारी जो पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, पहले उस जितने भी दूर दराज के इलाके में सरकारी स्कूल हैं उसको हम ठीक करते हैं, जैसे हमने दिल्ली में किया, पंजाब में कर रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति की हर जगह, अगर आदिवासी शिक्षित होगा, हमारा भाई शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा, तो इनकी चालों को समझेगा तो उनकी गरीबी दूर होगी, उनके सब कुछ दूर होगा, जब तक शिक्षित नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी तब तक वो नहीं, इनकी राजनीति में फंस जाते बेचारे। तो आम आदमी पार्टी आएगी तो पहले उनका शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति करेगी और उनको आगे बढ़ाएगी, उनका परिवार सुखी होगा। मध्य प्रदेश में अभी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने एक ने लाडली बहना योजना के नाम पे 1,000 रुपये महिलाओं को देना तय किया है, दूसरों ने 1,500 रुपये बोल दिया है कांग्रेस ने नारी सम्मान के रूप में लगे हाथ। शिवराज जी ने 1,500 रुपये का जो दाव था उसको कम करने के लिए उन्होंने कहा कि हम इस लाडली बहना योजना को 3,000 रुपये महीना तक ले जाएंगे। इस प्रकार से जो आम आदमी पार्टी पे मुफ्त की रेवड़ी बांटने का आरोप लगता है, तब ये पार्टियां भी आम आदमी पार्टी की राह पे चल निकली हैं, ऐसा क्यों ना कहें? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, इनको भी ये लगने लगा है कि अगर हम उनके पैसों को लौटाएंगे नहीं, ये रेवड़ी नहीं है, हमने जैसे इनको हमको इन्होंने रेवड़ी बोला तो हमारे अरविंद जी ने बोला कि हम रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं, जो इन्होंने टैक्स दिया हम इनको लौटा रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि हमने इनको रेवड़ी बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, ये फ्री फ्री की राजनीति जो ये हमको बोल रहे हैं, हमने उनके पैसे को उनको लौटाना प्रारंभ किया। जब हमारे पास बजट था जो आज 3 गुना दिल्ली का बजट हो गया, तो हमारे पास पैसे अच्छे हो गए, तो हम क्यों ना उस पैसे को भ्रष्टाचार में, पहले क्या होता था पैसे बचते थे भ्रष्टाचार में लगते थे, अब हमने क्या किया वो भ्रष्टाचार में लगने के बजाय जो हमारा बजट बढ़ा उसको हमने लौटाना स्टार्ट किया, तो लौटाने का आधार हमने क्या बनाया, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, अब उसी में तहत हमने एक लाडली योजना हमने चालू जो किया था पंजाब में उसका ये नकल कर रहे हैं, तो ठीक है भगवान जो है अकल दें, है ना, उस पैसे को लौटाएं भ्रष्टाचार करने के बजाय, ये हम चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नकल एक अलग चीज़ है, असली चीज़ अलग चीज़ होता है। तो पंजाब की ये नकल हिमाचल में किए कांग्रेस वालों ने, और बिजली फ्री का कर्नाटक में इन्होंने किया जो हमने दिल्ली में किया है और पंजाब में किया है, आज ये मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, चलिए ठीक है, हमारे गरीब लोगों को चाहे हमारे मध्य प्रदेश के भाइयों को फ़ायदा हो रहा है, हमारा हमसे सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नकल अकल से करें, क्योंकि मैंने अभी देखा है सीएम राइज स्कूल खोले हैं अरविंद जी के तर्ज पे, जिसका हमारा ये विरोध करते थे, आज हमारी ही नकल कर रहे हैं। अरविंद जी बोलते थे, आप भी सुने होंगे, कि हम इनको राजनीति सिखा देंगे, तो आज हमने इनको राजनीति सिखा दिया, इतने सालों से इनको ये राजनीति नहीं मालूम थी, जब हमने जब सिखाया तब इनको समझ में आया कि नहीं ये राजनीति असली राजनीति है, और पढ़े लिखे लोग ही आज IITian लोग जो हमारे पार्टी में हैं
वो इन्होंने इनको शिक्षा दिया, बहुत अच्छी बात है, चलाएं, गरीबों का फायदा होना चाहिए, हमारा ये मतलब है। आम आदमी पार्टी ने इनको सिखाया है, लेकिन वो सिखाने के चक्कर में आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि ईडी और कई जो सरकारी एजेंसियां हैं वो जांच एजेंसियां पीछे पड़ गई हैं। चलिए, आपने ये बताया कि आम आदमी पार्टी ने इनको सिखाया और उसी का कारण है कि ये भी जनता का पैसा जनता को लौटाने के लिए योजना ला रहे हैं, ये आपका सोचना है। लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश या अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं कि उन पर कर्ज का बोझ बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, देखिए एक्चुअल में क्या है, ये कर्ज का बोझ इसलिए बढ़ रहा है कि ये क्या करते थे, पैसा लूट लेते थे, पैसा जो है अपने पास बनाने का प्रयास करते थे, वही योजना में हाथ लगाते थे जहां उनको ज़्यादा इनकम होता था। तो ज़्यादा इनकम होता था तो ज़्यादा इनकम किस कहां से आएगा, वो सरकारी खजाने से आता था। आम आदमी पार्टी ने वो जो भ्रष्टाचार की राजनीति को ख़त्म कर दिया, अब जो इनकम होता है वो सरकार के खजाने में जाता है या जनता के पास जाता है। तो आम आदमी पार्टी का आप रिकॉर्ड देखो, हमने 3 गुना बजट को किया। तो अगर ये 70 साल से जो राज करते थे और ये जो अभी 15 साल से राज कर रहे हैं, तो इनके कर्ज इसीलिए है कि ये लूट की राजनीति करते हैं, कहीं भी लूट की राजनीति। हमने जो है बचाने की राजनीति की, हमने जो है जहाँ पर जो पुले बनाई, जो हाईवे क्या बोलते हैं पुले बनाए, जो ओवरब्रिज बनाया, उसमें हमने 150 करोड़ रुपये बचाए। 150 करोड़ रुपये बहुत होते हैं, अगर 10 बनाए तो 1500 करोड़ बचाए आपने। तो हमने वहाँ पर बचत की राजनीति की, बचत की राजनीति से क्या हुआ कि आज हमारे कर्ज खत्म हुए। आज हम पंजाब में जिस हिसाब से कर्ज बढ़ रहे थे, 3 लाख करोड़ का जो कर्ज दिया था इन्होंने, हमारे आज वहाँ कर्ज कम हुए और हमने रोजगार बढ़ाए। आज हमने लगभग वहाँ 40,000 करीब रोजगार बढ़ा दिए, कर्ज भी कम कर दिए, बिजली बिल भी जीरो कर दिए। तो ये हमारी उपलब्धि है, क्योंकि हम भ्रष्टाचार नहीं करते, हम शून्य भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। एक आदमी भ्रष्टाचार हमारा 1% लेने का प्रयास किया, स्वास्थ्य मंत्री ने वहाँ, हमने तत्काल उनको निकाल बाहर कर दिया। तो ये हमारी राजनीति है जिसमें कर्ज की तो बात ही नहीं है, इनके में ही कर्ज होंगे, हमारे में तो फायदा ही रहेगा। राजकुमार जी, वैसे आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में जो मैनिफेस्टो आएगा वो काफ़ी दिलचस्प होगा इन योजनाओं को देखते हुए। कार्यक्रम के अंतिम दौर में मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर जोर आजमाइश करेगी, और जो खरगोन जिले की सीटें 6 सीटें, क्या उनमें सभी 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी टोटल 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतने के लिए लड़ेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 6 महीने बाद आप 4 महीने बाद देखिएगा मैं स्थिति खरगोन की, 6 सीटों में से कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है? देखिए खरगोन जिले में अभी मैं आपसे क्या बोला, हमारी प्लानिंग, हम ज़्यादा हम फेंकने वाले नहीं हैं, हम धरातल पर बात करते हैं। अभी हम वहाँ पर सर्कल प्रभारी तक बना लिए हैं, बूथ प्रभारी तक बनाएंगे, बूथ प्रभारी में अपनी टीम बनाएंगे, और टीम बनाने के बाद हम उनको दावा पेश करके आपको दिखाएंगे कि हमारी संख्या कितनी है। अभी हमने ग्वालियर में जो रैली की, आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त रैली थी, वहाँ के जो है लगभग लाखों लोग, जो टारगेट था हमारा वो पूरा हो गया, और ये आप सबूत है कि आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। राजकुमार जी, कसरावद विधानसभा में हमने आम जनता से यहाँ चर्चा करी, कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर, भाजपा के उम्मीदवार को लेकर, जब आम आदमी पार्टी की बात आई तो उसमें आपका जिक्र आया हमको भावी विधायक उम्मीदवार के लिए। क्या आम आदमी पार्टी अगर आपको यहाँ से विधायक के लिए मतलब उम्मीदवार के रूप में चयनित करती है तो आप पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए क्या है, हमारी पार्टी का यही खासियत है कि हम बिल्कुल हाई कमान पे सब कुछ छोड़ देते हैं। अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमको खड़ा होना चाहिए तो हम पार्टी का सम्मान करेंगे, लेकिन हम आपके विचार जानना चाहते नहीं, हमारे विचार हमारे विचार रावत के आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी से बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारा विचार यही है जो यहाँ पे मेहनत करेगा, जिसको पार्टी समझेगी कि यहाँ लायक उचित है, वही यहाँ का उम्मीदवार होगा। हम ज़्यादा इस पर आपको टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या हमारी पार्टी कभी भी पार्टी के कोई लोग भी सीट के लालची नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि जो हमने जो नीति लेके आई थी 2012 में, जिसके कारण से हमारी पार्टी बनी थी, वो जन जन तक पहुँचना चाहिए, वो देश में फैलना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। जीत जो ये जो भी कुछ है, ये हमारा कहीं भी विचार नहीं था, कहीं भी हमारा वो
मतलब क्या वो सपना नहीं था। अरविंद जी भी नहीं सोचे होंगे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, वैसे हम भी कभी नहीं सोचते कि हम यहाँ के विधायक बनेंगे। हम सोचते हैं कि यही विधायक रहें लेकिन ये भी अच्छा काम करें तो भी हमको कोई मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग क्या है वो काम नहीं करते। इसलिए पार्टी क्यों बनी, आम आदमी पार्टी इसलिए बनी, हम भी अन्ना हजारे जी के साथ रहते। जब इन्होंने चैलेंज किया ना कि हमको कि आपको परिवर्तन करना है तो राजनीति में आओ, ये तो राजनीति को हमको तो कोई मतलब राजनीति करना ही, हम तो समाज सेवी थे, हमको तो पता है हम तो समाज सेवी थे, हमको तो राजनीति से मतलब ही नहीं था, राजनीति में इन्होंने मुझे ढकेला। तो आज भी हम लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, ये हमारा उद्देश्य कहीं नहीं रहता है कि हम इनको हटा के हम ही बन जाए, ऐसा नहीं। अगर यही लोग अच्छा काम कर देना तो हमको, जैसे आपने बोला अभी कि लाडली योजना यह चला रहे हैं, हमको बहुत खुशी हुई कि चलिए ठीक है, नकल करके भी जो है अगर किसी गरीब का फायदा होता है तो अच्छी बात है। राजकुमार जी, आपने पूरी चर्चा में जो भी साफ साफ गोई से जवाब दिया, आपने बताया कि आम आदमी पार्टी किन समीकरणों को लेकर मध्य प्रदेश में उतर रही है और किस दमखम के साथ उतर रही है, साथ ही मध्य प्रदेश में पूरी 230 विधानसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। आपने अपने प्रत्याशी होने पर भी स्पष्ट किया कि ये पार्टी का आदेश अगर होगा तो आप उसका पालन करेंगे, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश करने जा रही है। नहीं नहीं, दूसरी बार। हाँ माफ़ कीजिए, 230 सीटों पर पहली बार जोर आजमाइश करने जा रही है। नहीं, उस टाइम भी 230 पर लड़े थे हम लोग जी, लेकिन 10-12 सीट छोड़ दिए थे जी जी, हाँ किन्हीं कारणों से। हाँ तो उसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपको, और साथ ही एक बात और है जी, हम मैं बोलना चाहूँगा इस माध्यम से, अभी सेंचुरी की लड़ाई चल रही है एक, जहाँ पे 6 साल से लोग आंदोलन कर रोड पे खड़े हुए हैं। तो चूंकि मैं मजदूर नेता भी हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक वहाँ पे सचिन यादव जी भी गए और शिवराज सिंह चौहान जी को भी भाई हाथ में लेटर दिया गया था धामनोद में जी। तो 1000 लगभग मजदूर, 874 मजदूर लगभग वहाँ पे आज, जिसमें से 22 लोग आत्महत्या कर लिए मजदूर वहाँ पे। तो मेरी सरकार से अनुरोध है आपके माध्यम से कि कहीं ना कहीं वो 874 मजदूरों की सुना जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला भी था कि 25O के तहत सरकारें बैठ के आपस में, कुमार मंगलम की कंपनी है, बैठ के उस मामला को निपटारा करे। तो सरकार वहाँ पे इस बात पे ध्यान नहीं दी और मजदूरों का पेमेंट बंद कर दिया, 22 लोग को मरना पड़ा। आज भी मामला कोर्ट में है, कोर्ट हर समस्या हल नहीं कर सकती, तो मेरा मतलब है कि सरकार भी उस पर ध्यान दे और समस्या को हल कराने में आगे बढ़े कि जिससे 874 मजदूर की ज़िंदगी बच जाए। आपके माध्यम से मैं ये लास्ट बोलना चाहूँगा। राजकुमार जी, आज आप कार्यक्रम में यहाँ हमारे साथ शामिल हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रमों में भी हम आपकी उपस्थिति को लेकर आपसे आग्रह करेंगे। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव में 230 सीटों पर लड़ना और भाजपा और कांग्रेस के लिए तीसरी शक्ति के रूप में वो चुनावों में होगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले जो परिणाम हैं इस बार विधानसभा चुनाव के वो किस ओर झुकेंगे। चूंकि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही अभी तक मुकाबला होते रहा है, लेकिन ये पहला अवसर होगा जब आम आदमी पार्टी अपने आप को विधानसभा चुनाव में जीत का दावेदार बता रही है। नेताजी हाजिर होके आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए HW24 न्यूज़ मध्य प्रदेश। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।